हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी की करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एम्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एम्स स्टेब्लिश किया गया है तमिलनाडु मदुरई में। तो सही आंसर हो गया इसका सी, मदुरई। मदुरई में ये एम्स स्टार्ट करने का उद्देश्य है कि तमिलनाडु बिल्कुल साउथ इंडिया में एम्स की सुविधा लोगों तक अच्छे से पहुँचाई जा सके। और इसकी आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है तमिलनाडु। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जिसका पहले नाम मद्रास था। यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर हैं इदापदी पलानी स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है? 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। सही आंसर है बी, नोवाक जोकोविक। इनका ये 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और 7वीं बार ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और ये बिलोंग करते हैं सर्बिया देश को, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं और 7वीं बार ये खिताब जीता है। किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा गया है? तो अभी हाल ही में वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नाम चेंज करके रखा गया है, तो ट्रेन 18। सही आंसर है सी, ट्रेन 18, जो अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से चेन्नई में की गई है और ये इंडिजीनियस ट्रेन है, यानी कि पूरी तरीके से मेक इन इंडिया बैनर के तले भारत में बनाई गई ट्रेन है। और इसका नाम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से अब ट्रेन 18 से बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। 2019 में भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को दिया गया है, तो सही आंसर है सी, 3। अब ये 3 लोग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये पुरस्कार दिया गया है भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को। तो ये 3 लोग हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसी भी नागरिक के लिए, देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है और 2019 में 3 लोगों को दिया गया है। भूपेन हजारिका असम के एक गायक थे, इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। प्रणब मुखर्जी पॉलिटिशियन है, एक राजनेता हैं, और नानाजी देशमुख जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, और इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अब भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसी भी नागरिक के लिए, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1954 में की गई थी। 1954 2 जनवरी के दिन इसकी स्थापना की गई थी और पहली बार अवार्ड भी 3 लोगों को दिया गया था। टोटल अभी तक के जो अवार्ड दिए गए हैं भारत रत्न, वो टोटल हैं 45। तो अभी तक के 45 अवार्ड भारत रत्न दिए गए हैं, और पिछली बार जो लास्ट अवार्ड दिया गया था 2015 में, और अब 2019 में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में ही पद्म अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 26 जनवरी को पद्म अवार्ड भी घोषित किए जाते हैं और इस बार पद्म अवार्ड दिया गया है 112 लोगों को, तो सही आंसर हो गया सी, 112। इस 112 अवार्ड में पद्म अवार्ड 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसमें से 4 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री, टोटल हो गए 112। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, कितने पद्म भूषण। तो 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री अवार्ड। इसमें से 21 अवार्ड महिलाओं को दिए गए हैं, महिलाएं जो सम्मानित हुई हैं पद्म अवार्ड से, उनमें से 21 महिलाएं हैं। 11 पर्सन ऐसे हैं जो कि या तो फॉरेनर हैं या NRI हैं या इंडियन ओरिजिन के फॉरेन में रहने वाले लोग हैं, ऐसे 11 लोग हैं। 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और 1 ट्रांसजेंडर पर्सन को भी ये पुरस्कार दिया गया है। 21 महिलाएँ हैं, 11 फॉरनर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, 3 मरणोपरांत पुरस्कार हैं और 1 ट्रांसजेंडर पर्सन को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को कितनी कम से कम पेंशन देने की घोषणा की है?
जितने भी हैंडीकैप जो सोल्जर्स होंगे देश के, जितने भी विकलांग सैनिक होंगे, उनको कम से कम 18,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ये घोषणा की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो सही आंसर हो गया बी, 18,000, 18,000। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना हाल ही में किसने लॉन्च की है? तो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड स्कीम है। इसके तहत जो भी प्रवासी होंगे, जो इंडियन ओरिजिन के फॉरनर्स होंगे और जिनकी आयु 45 से लेके 65 साल तक होगी, उनके लिए ये स्कीम ली गई है, ये स्कीम शुरू की गई है। तो 45 से लेके 65 साल के जितने भी NRIs होंगे, जितने भी PIO होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे, वो लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इन लोगों को गवर्नमेंट के खर्चे पे भारत के सारे धार्मिक स्थलों का टूर कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DSC पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो DSC पुरस्कार दिया गया है जयंत कैकेनी को। तो सही आंसर हो गया ए, जयंत कैकेनी। यह हैं जयंत कैकेनी, और इनको इनकी बुक नो प्रेजेंट प्लीज़ मुंबई स्टोरीज़ के लिए दिया गया है। जयंत कैकेनी ने ये जो नॉवेल है, ये बुक कन्नड़ में लिखी है और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है तेजस्विनी निरंजना के द्वारा। तो इनको भी ये पुरस्कार साथ में दिया गया है। तो जयंत कैकिनी और तेजस्विनी निरंजना के द्वारा ये प्राइज, ये अवार्ड शेयर किया गया है। बुक का नाम है नो प्रेजेंट प्लीज़। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, नो प्रेजेंट प्लीज़ मुंबई स्टोरीज़। जयंत कैकिनी राइटर हैं और इसका अवार्ड का पूरा नाम है DSC प्राइज़ फॉर साउथ एशिया लिटरेचर 2018। DSC पुरस्कार एक इंटरनेशनल लिटरेरी पुरस्कार है जो कि ओरिजिनल फुल लेंथ नॉवेल राइटर को दिया जाता है जिसने इंग्लिश में या तो नॉवेल लिखा हो या उसके वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। और ये पहली बार है, और इसके इस्टेब्लिशमेंट या फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 2011 में, और 2011 के ये बाद ये पहली बार है जो कि किसी ट्रांसलेटेड बुक को ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है, ये होती है $25,000, $25,000। जयंत कैकिनी, DSC प्राइज़ फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में ही अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र पीस टाइम का हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी सोल्जर्स के लिए। तो पीस टाइम और वॉर टाइम दो अलग अलग एक ऐसा फेज़ है जिसमें सोल्जर्स के लिए हाईएस्ट ऑनर रखा गया है। जब भी कभी लड़ाई डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी दूसरे देश से, अगर लड़ाई होती है तो वो वॉर टाइम होता है, उसमें उस युद्ध में अगर किसी सोल्जर्स को हाईएस्ट ऑनर दिया जाना है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। और अगर लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुई है, वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, और लेकिन फिर भी बॉर्डर पे अगर किन्हीं कारणों से या इन्फिल्ट्रेशन में अगर सोल्जर्स की जान जाती है, तो उनको ऑनर देने के लिए, उनकी बहादुरी को ऑनर देने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसमें हाईएस्ट अवार्ड होता है अशोक चक्र। तो पीस टाइम हाईएस्ट ऑनर है किसी सोल्जर्स के लिए, किसी सोल्जर के लिए अशोक चक्र। और 2019 में ये अवार्ड दिया गया है नज़ीर वानी को। सही आंसर है बी, नज़ीर वानी। यह है नज़ीर वानी जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए और इनको 2019 का अशोक चक्र दिया गया है। भारत अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग संयुक्त अभ्यास कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा पुणे में। सही आंसर है सी, पुणे। तो इसमें इंडिया और अफ्रीका के काफ़ी सारे देश मिलके एक कोलेब्रेशन करते हुए, एक दूसरे के कोऑपरेशन और कोलेब्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ में युद्ध अभ्यास करने वाली है, और यह मिलिट्री रेंज पूना में होना है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, गणतंत्र दिवस 2019 भारत के कौन से गणतंत्र देश के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 2019 भारत का 70वां गणतंत्र दिवस है। तो इसका सही आंसर है बी, 17th। और आज का क्वेश्चन है, पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? CRPF को, ITBP को, NDRF को या फिर SSB को? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।